स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और पिछला कदम बता दिए कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ख़त्म हो चुका है और जो कुछ बच गया होगा उसको बाद में डाल देंगे। और अभी उसी का अगला भाई CI चक्रवृद्धि पढ़ा रहे हैं और आज उसका बेसिक चीज़ बढ़ा देते हैं और फिर अगला क्वेश्चन होते रहेगा। इसको जो बेसिक चीज़ें CI किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ब्याज का ब्याज जी, जो ब्याज का ब्याज मिलता है उसे CI कहते हैं। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। जो ब्याजों का ब्याज मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, CI कहते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आए क्वेश्चन इसको देखते हैं थोड़ा। मान लीजिए कि कोई राशि है 2000, राशि है कितना है 2000 रुपया, ठीक है। दो साल के लिए हम किसी को 2000 रुपया, किसी को हम 2 साल के लिए दिए, ठीक है। तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मान लो 2000 रुपया, ठीक है। 2 साल के दिए, कई साल के लिए, 1 साल के लिए और दो, एक ईयर के लिए और फिर 2 ईयर के लिए दिए। अगर दर इतना रुपया हम दिए, कैसे परसेंट दर है, अगर 10 पर दर कितना है, दर जो है 10% की दर से दे रहे हैं, 10% या 5%, 2% कुछ भी दे सकते हैं, 10% की दर से दे रहे हैं, कैसे 10% की दर से दे रहे हैं, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो पहले 2000 का 10% निकाल लेंगे 1 साल के लिए, फिर 2000 का 10% कितना होगा, 200 रुपया, 200 रुपये, 2000% तो निकालने जानते होंगे, 2000 का 10% भट्टा में 100 से निकालते हैं, इसे कितना हो गया 20 × 10 कितना हो गया 200 रुपया, कितना हुआ 200। 2000 का 10% निकाले, परसेंट के लिए 100 से भागा कर देंगे, निकल जाएगा 200 रुपया, यहाँ भी होगा 200 रुपया, यहाँ हो गया, ठीक है। एक वर्ष, एक या दो वर्ष के दर हमेशा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। एक वर्ष का 200 और फिर यहाँ क्या होगा 200 हो जाएगा। CI ऐसा क्या होता है, समान होता है एक वर्ष के लिए, ठीक है। दो सौ निकल गया। अब बीच का देखिए, एक साल का तो 200 निकल गया, ठीक है, ये तो ब्याज हो गया, ठीक। फिर इसका भी एक साल पूरा गया, किसका, इसका 200 का, फिर 10% निकालेंगे, तो 200 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 20 होगा, यहाँ पे 20 रुपया हो गया, ठीक है। इतना अब इसको लिखते हैं, तो CI हमारा टोटल CI कितना आया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 200 200 400, अभी इसका कितना हो गया 420, यही हो गया CI, ठीक है। आइए बेसिक चीज़ का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। अभी बेसिक चल रहा है तो इसको थोड़ा इजी क्वेश्चन बताते हैं ताकि समझ में आए आपको। क्वेश्चन कहता है 10000 1000 रुपया 10% की दर से कितना है, 1000 रुपया है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 2 वर्ष का पूछा, कितना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। 1000 रुपया है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसको बता वैसे बनाएंगे। 1000 रुपया 2 साल के लिए ले जाएंगे, कितना 2 साल का, 1 वर्ष 2 वर्ष, 10% की दर से, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 1 साल हो गया, तो 10% 1000 का पहले 10% निकालेंगे, 1000 का 10% कितना हो गया 100 रुपया, कितना हुआ 100 रुपया, 100 यहाँ होगा 100 यहाँ होगा, ठीक है। फिर इसका 1 साल और पूर जा रहा है, ये तो 1 साल हो गया, 1 साल का CI वैसा ही हमेशा 1 वर्ष का जो निकलता है बराबर होता है, CI वैसा ही, ठीक है। फिर इसका एक, इसका भी यहाँ जाएगा तो 1 साल पूर जाएगा, 1 साल के लिए है तो फिर यहाँ 2 साल के, इसका भी 1 साल पूरेगा ना, तो इसको 100 का 10% निकालेंगे, फिर 100 का अगर 10% निकालेंगे कितना होगा 10 रुपया होगा, कितना होगा 10 हो जाएगा, मतलब 100 का अगर 10% निकालते हैं ऐसे करके परसेंट के लिए, 100 2 0 कट गया तो कितना होगा 10 बचेगा, तो 100 का 10% कितना हुआ 10 रुपये, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, मतलब CI कितना हो गया
सिया मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, 100 100 200 सबको जोड़ देंगे, 100 100 200 200 10 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी, बहुत ही अच्छा ट्रिक, बहुत ईजी है, आराम से कॉन्सेप्ट रहेगा, सही तो बना सकते हैं इसको। दूसरा मेथड ही बता दे रहे हैं इसको, सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड से बता दे रहे हैं, इतना ही आंसर आएगा। 1000 रुपया कितना है, 1000 रुपया है, 10% की दर है, कितना 10%, तो 10% का होल वैल्यू निकाल देंगे, 10% का, ठीक है, परसेंट के लिए 100% है, 10% परसेंट के लिए 100, जीरो से कट गया, इसको जोड़ देंगे एक बार, 10 10 1 11 बटा 10 लिख देंगे, कितना हो गया 11 बटा 10, 2 साल का रहा तो 2 साल बढ़ा देंगे, 11 बटा 10, इसका पहले होल वैल्यू निकालेंगे, 10% के लिए 100 जो कट जाएगा, और 10 में एक जोड़ देंगे, 10 1 11 बटा 10, 2 साल का रहा तो 10 11 बटा 10 ये लिख देंगे, 2 बार इसको काटेंगे, 2 0 यहाँ एक कट रहा, 1 20 कट रहा, इस करें अब इसको करेंगे, 11 × 11 इस चक्रवृद्धि मिश्रण निकाला, 11 × 11 121 कौन सी 121 × 10 हुआ तो कितना बचा, 121 पर 1 0 हो जाएगा, इतना हो रहा है, 121 पर इतना 0, इसका हुआ चक्रवृद्धि मिश्रण, हुआ चक्रवृद्धि मिश्रण, ठीक है, ब्याज नहीं निकला है चक्रवृद्धि, अब ब्याज निकलेंगे, क्या करेंगे, अब ब्याज, कौन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI, ठीक है, जो इतना में से मूलधन घटा देंगे तो जो बचे वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो कितना हो गया 12 10 हो गया, इतना हम से क्या करेंगे 1000 घटा देंगे, क्या करेंगे 1000 घटा देंगे, जो बचेगा उसी आपको आंसर आ जाएगा, 0 0 0 एक हो गया, 2 के 2 कितना गया, 1 में से 1 गया तो 1 1 गया तो 0 खत्म हो गया, तो कितना बचा 210 रुपया, यहाँ भी 210 आया आंसर और यहाँ भी 210, कितना हो गया चक्र भैया 210। जो मेथड आपको सही लगे वो मेथड से बनाइए, ठीक है, जो भी आसान लगे, दोनों मेथड से बचा चुके हैं।